सो जी, फाइनली जिस वीडियो को आप लोग सभी प्रतीक्षा कर रहे थे वो वीडियो आ चुका है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस अंडर WBG 2023, तो एकदम लेटेस्ट ऑर्डरिंग में करने वाला हो। एंड ये जो वीडियो है बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब होने वाला है। आप यूट्यूब चेक कर लो, अभी मैं जो वीडियो शूट करने वाला हूँ आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज मैं जो बातें बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिए, मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाला ध्यान से देखिए। तो ये जो वीडियो है सेव करके रख लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा ही मात्र वीडियो है जहां पर परफेक्ट ऑर्डरिंग आपको दिया जा रहा होगा। एंड ये बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आंख बंद करके आप इसको विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मैंने अपना 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड काफी सारे बच्चों के साथ मैं डिस्कस किया है, उसके बाद ही मैं ऑर्डरिंग लाया हूँ। एंड मैं जो ऑर्डरिंग बताने वाला हूँ वैसा ऑर्डरिंग आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डरिंग है बिल्कुल अनबायस्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को प्रेफर किया हूँ, इसको मैं नीचे रख दिया हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका रैंक जो भी है WBG में, आप चाहते हो कि हाँ जी ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए कॉलेजेस क्या, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए। और जैसे मैंने बताया दिस ऑर्डरिंग हैज बीन डन आफ्टर ए वेरी डिटेल एनालिसिस डिस्कशन विद कॉलेज स्टूडेंट्स एंड माई पास्ट 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वेस्ट बंगाल में जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, हर एक कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा होगा ही जो मुझे जानता है। तो अक्सर मेरी बात होते रहती है उनसे कि प्लेसमेंट का क्या हाल है, फैकल्टी कैसा है, कंपटीशन एनवायरनमेंट कैसा है। तो उनके साथ डिस्कशन करने के बाद ही आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो में ला पाता हूँ। एंड मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर भी मैं आपको बातें शेयर कर रहूंगा। अब देखो ये जो ऑर्डरिंग है ये 3 चीज को देखते हुए मैंने किया है, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये 3 पॉइंट ऐसा है जो कि आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी प्राइवेट कॉलेज। ऑब्वियसली प्लेसमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, तो प्लेसमेंट को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं फैकल्टी देखा हूँ एंड कॉम्पिटिशन एनवायरमेंट देखा हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज के बेसिस पर आपके लिए ऑर्डरिंग में प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके जूनियर है, जितने भी लाइक आपके इस साल एग्जाम दिए हैं WBG का या जेई मेंस का, एंड उनके मन में दुविधा कि हाँ जी क्या होगा, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो देखो जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हो गए सबको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी P1 है, कैटेगरी P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, वो सब आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉलेजेस, ठीक है, सेम कैटेगरी के अंडर में है, आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि नहीं मुझे रीअरेंज नहीं करना है, मुझे आप एकदम प्योर डेटा दीजिए, तो उसका भी मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखा है IIM, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट शॉर्ट लिख, ठीक है। सेकेंडली हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। अब देखो कोई की बच्चे ऐसे होते हैं, सपोज आपका घर जो है IIM से बस 5 मिनट का रास्ता है, या सपोज किसी बच्चे का घर है हेरिटेज एकदम बगल में ही है, तो उस केस में आपको ऑब्वियसली जो पास में होना चाहिए वो प्रेफर करना चाहिए। या सपोज IIM का जो फीस है काफी ज्यादा है, 7 लाख है, ठीक है, एंड हेरिटेज का भाई फीस कम है, 4 से 4.5 लाख के बीच में। तो अब किसी किसी बच्चे का मनी कंस्ट्रेंट है कि नहीं जी प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन फीस का कुछ मैटर है मेरे लिए, मैं फीस उतना पे नहीं कर पाऊंगा 7 लाख जो है, ठीक है, मैं हेरिटेज प्रेफर करूंगा। या IIM का कैंपस काफी छोटा है, हेरिटेज कैंपस काफी बड़ा है, तो उस केस में आप चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो। मतलब पॉइंट ये है कि जो कॉलेजेस सेम कैटेगरी के अंडर में है उनका डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ज्यादा अंतर नहीं है, प्लेसमेंट को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी कैंपस में अंतर है, ऑब्वियसली काफी बड़ा अंतर है, IIM का काफी छोटा कैंपस है, हेरिटेज का कैंपस काफी बड़ा है, ठीक है, फैकल्टीज थोड़े बहुत अच्छे आपको हेरिटेज मिलेंगे IIM से तुलना किया जाए तो, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में नेग्लिजिबल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन आप पूछो कि जी प्लेसमेंट सबसे बेस्ट इसका है तो मैं IIM को प्रेफर करूंगा। आई होप आपको समझ में आ चुके मैं क्या बातें बताने वाला हूँ कि ये P1 P2 P3 क्या है, ठीक है। अब P2 में मैंने टेक्नो मेन शॉर्टली को रखा है सेक्टर 5, ठीक है, जो टेक्नो मेन वाला है, ओके। एंड फोर्थ में नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज गरिया कोलकाता। तो आप इसको भी रीअरेंज कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो पहले नेताजी प्रेफर कर सकते हो देन टेक्नो मेन प्रेफर कर सकते हो, मतलब कि प्लेसमेंट में कुछ खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि आपके मन में पछतावा नहीं होगा। सपोज आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो पढ़ाई करे टेक्नो मेन में, आप पढ़ाई करो नेताजी में, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा फ्रेंड काफी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, मैं काफी खराब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को ही सेम कैटरी में रखा हो। देन P3 में एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी है आदि सप्तग्राम हुगली वाला, ठीक है, एंड 6 में आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दिया पूर्वा मेदनीपुर वाला है। तो आप चाहो तो इसको भी रीअरेंज कर सकते हो। तो लाइक आप परमिशन कॉम्पिटिशन बड़ी हो गए तो लाइक इसका 2 फैक्टोरियल हो गया,
2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो लाइक आप दो तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बन सकता है कि सपोज मुझे मिल रहा है नेताजी मिल रहा है एंड मुझे मिल रहा है हेरिटेज मिल रहा है, तो मुझे किसको प्रेफर करना चाहिए। तो देखो नेताजी एंड हेरिटेज दोनों ही अलग अलग कैटेगरी में है, तो अगर कोई कॉलेज दोनों ही अलग कैटेगरी में है तो उस केस में मैं बोलूंगा आप उसको प्रेफर कीजिए जो पहला कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये सवाल नहीं बनता है कि मैं नेताजी को प्रेफर करूँ या हेरिटेज को प्रेफर करूँ, या सपोज मैं एओटी को प्रेफर करूँ या नेताजी को प्रेफर करूँ। एओटी अलग रूप में है, नेताजी अलग रूप में। अगर आप मुझसे पूछते कि एओटी प्रेफर करूँ या हल्दिया प्रेफर करूँ, तो मैं बताता एओटी प्रेफर करो, ठीक है। या मैं बोलता कि हाँ जी आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो। तो इंटरचेंज जो है ये जो ऑर्डरिंग है क्या क्या चीज को देखते हुए कर सकते हो, पहला चीज आपका लोकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस मैटर करता है, घर से आप ट्रैवलिंग करोगे, हॉस्टल लोगे तो अलग बात है खैर, ठीक है। सेकेंडली फीस मैटर करता है एंड थर्डली फैकल्टी कैसा है, ठीक है। तो आप सही बच्चे पर चाहो तो कैंपस विजिट कर सकते हो कि हाँ जी कैसा कैंपस है एंड कितना दूर है मेरे घर से। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया देन पता चला कि मुझे 3 घंटा लगता है कॉलेज जाने में, काफी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो एटलीस्ट आप कॉलेज को 2-3 बार विजिट कीजिए फिजिकली, सो दैट आप करेक्ट टाइम का अंदाजा लगा सको। और वैसे बता दूं हम लोग इस साल सभी बच्चों के लिए जो इस साल एग्जाम दिए थे WBGE का, उनके लिए एडमिशन सपोर्ट स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा, लाइक कॉलिंग एंड व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। सेकेंडली वर्चुअल मीटिंग्स होंगी आपके साथ एंड आपके पेरेंट्स के साथ, सो दैट आप परफेक्ट डिसीजन ले पाओ। थर्डली कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो कई सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, उनका रैंक अच्छा आता लेकिन फिर भी मतलब कोई गलती कॉलेज ले बैठते हैं, या सपोज किसी बच्चे का रैंक अच्छा नहीं है बट फिर भी वो काफी परेशान हो जाता है एंड समझ में आता है कि मैं क्या करूं, तो एक साल का ड्रॉप ले बैठता है। तो ऐसा ना हो तो हम लोग ये सब स्टार्ट किए, तो आप बच्चे जुड़ सकते हो। एंड फोर्थली चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग डिसाइड करने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में। तो आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट एंड प्लेसमेंट को देखो तो किसी किसी बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी किसी बच्चे का मतलब इंटरेस्ट होता है कि मैं CAC ही लूँ या मैं CAC स्पेशलाइजेशन लूँ, ठीक है। कोई कोई कॉलेज में फैकल्टी बढ़िया नहीं होते, उस कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच का, उस कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं होता है। तो लाइक मुझे सब कुछ आइडिया है, ठीक है। तो मैं आपको परफेक्ट आपको डिसाइड करने में हेल्प करूंगा कि हाँ जी आपको ऐसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो आप बच्चे चाहते हो यहाँ पर एनरोल करना तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है लिंक मौजूद है, डिटेल आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए ये जो कैटेगरी P4 है, ठीक है, P5 है, P6 है, ये कुछ ऐसा है। तो P4 में मैं सिर्फ BP पोदार को रखा हूँ एंड P5 पे मैं नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रखा हूँ, आगरपुरा कोलकाता। अब देखो ये आप अगर पिछला साल देखोगे ना तो नरोला जो कॉलेज है काफी नीचे आता था, लेकिन ये जो कॉलेज है प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है बोल सकते हो, एकदम से हाईफाई नहीं मतलब अच्छे खासा ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा, अलग रखा है, ठीक है। तो आप अगर पूछोगे कि मैं किसको प्रेफर करूं, बीबी पोदार को प्रेफर करूं या नरोला, तो मैं बोलूंगा बीबी पोदार को प्रेफर कीजिए। लेकिन आप अगर ये पूछते कि जी मैं सेंट थॉमस को प्रेफर करूं या RCC को प्रेफर करूं या मेघना शाह को प्रेफर करूं, जैसे ये तीन को है, ठीक है, तो मैं बोलता कि देखो आप इन तीनों को ही आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हो, फैकल्टी को देखते हुए, प्लेसमेंट को देखते हुए, कैंपस को देखते हुए, फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर से प्लेसमेंट देखो तो मैं बताता कि आप 9 सेंट थॉमस, 10 RCC और 11 मेघना शाह, लेकिन सपोज आपको बाकी चीज भी देखना पड़ेगा ना, लोकेशन कहाँ है, कैंपस कितना बड़ा है, फीस कितना है, ठीक है। किसी किसी बच्चे का डिमांड होता है फीस कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके केस में आप इसको 3 फैक्टोरियल से रीअरेंज कर सकते हो, मीनिंग 6 वेज, 6 तरीका से आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक आप चाहो तो पहले 9, 10, 11 कर दीजिए, ठीक है, या चाहो तो फिर 10, 9, 11 कर दिए, या 11, 10, 9 कर दिए। सो आई होप आपको ये जो चीज़ है परमुटेशन वाला चीज़ समझ में आया होगा कि ये 3 फैक्टोरियल में क्यों लिखा हो। 3 फैक्टोरियल में 6 वेज, यानी कि आप 9, 10, 11, 9, 11, 10 मतलब ऐसे चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो जो आप लाइक पढ़े थे, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी सिंपल में आपको बता रहा हूँ कि आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपके मन में पछतावा नहीं होगा। लेकिन आप अगर पूछोगे कि क्या भैया मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ कि सेंट थॉमस है और नरोला है, क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा जी आप नहीं कर सकते हो, आप नरोला प्रेफर कीजिए देन सेंट थॉमस प्रेफर कीजिए। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट करेंगे दफा और ताकि आप परफेक्ट डिसीजन ले पाओ। सपोज आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आप मुझसे पूछे कि मेरे पास AOT मिल रहा है एंड मुझको नेताजी मिल रहा है, तो क्या मैं AOT को प्रेफर कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा जी आप नहीं कर सकते हो, आपको नेताजी ही करना चाहिए एंड देन AOT ही करना चाहिए, ही वर्ड आ रहा है, ठीक है।
एंड आप अगर पूछते हो कि क्या मैं एओटी और हल्दिया में से क्या मैं हल्दिया ऊपर रख सकता हूँ, तो मैं बोलूंगी हाँ जी आप हल्दिया ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो रहा गया टॉप 10, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इसको एक्सटेंड करने का सो डैट ये टॉप 20 ही बन जाए एक तरह से, ठीक है, सो डैट जिस बच्चे का रैंक थोड़ा कम है उसको भी एक हेल्प मिल जाए। तो देखिए और आगे बढ़े तो P7 में मैंने रखा है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन राजरहाट, न्यू टाउन वाला जो है, देन फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सोनारपुर। फ्यूचर का दो नाम है, एक है फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एक है फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो याद रखिएगा FIEM बेहतर है, ओके FIT से। देन 14 में आपका MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग लिलुआ हावड़ा में जो है, ठीक है, तो ये कैटेगरी P7 का रहा। तो आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए कि क्या मैं टेक्नो इंटरनेशनल को ऊपर रख सकता हूँ एंड मेघना साहब को नीचे रख सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्यों, ये दोनों ही अलग कैटेगरी में है। मेघना साहब का P6 में है, टेक्नो इंटरनेशनल का P7 में है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो लास्ट कैटेगरी है P8, तो यहाँ पर बेसिकली मैं सारे कॉलेज को रख दिया हूँ जो रिमेनिंग कॉलेज है। अब देखो मैं पर्सनली आपको मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज 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 ट्राई टू अवॉइड कैटेगरी P8, हो सके तो एक साल का ड्रॉप ले लीजिए, एक साल का ड्रॉप कुछ इफेक्ट नहीं करता प्लेसमेंट में, मैं बहुत बार रिपीट कर दिया हूँ। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो चाहो तो 2 साल का ड्रॉप ले सकते हो, सोच समझ लेना, बट फिर भी अगर लेते भी हो 2 साल का ड्रॉप, प्लेसमेंट में कुछ खास असर नहीं होता है, फर्स्ट ड्रॉप में कुछ असर नहीं होता है और सेकेंड ड्रॉप में कुछ खास असर नहीं होता है, मतलब असर होगा लेकिन कुछ खास नहीं होगा कि हाँ आपका बर्बाद हो गया करियर, ऐसा कुछ भी नहीं होना होता है, ठीक है, जो बोलते हो झूठ बोलते हैं, ओके। तो ट्राई कीजिए प्लीज अवॉइड करने का, ठीक है, मतलब देखो आप अगर प्लेसमेंट को ही देखते हुए सोच रहे हो तो मत लीजिए एडमिशन, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हो तभी लीजिए, लाइक आप बस एक डिग्री प्राप्त करना चाहते हो किसी कॉलेज से, आपका इंटेंशन कुछ और है लाइफ में, आप कुछ और करना चाहते हो, बस आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाए, तो कुछ ऐसे जो बच्चे हैं कर सकते हो, लेकिन आप सोचते हो कि हाँ मुझे फैकल्टी बढ़िया चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, प्लेसमेंट बढ़िया चाहिए, तो जी प्लीज अवॉइड दिस। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ट्राई कीजिए मतलब P6 तक ही रहने का एट मोस्ट, ठीक है, फिर भी लाइक बच्चा चाहता है कि नहीं मैं ड्रॉप लूंगा ही नहीं, मुझे जैसे तैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, मुझे ऑफ कैंपस स्टार्ट करना है, तो आप P7 रख सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन P6 तक ही रहेगा, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन अगर आप मुझसे पूछो तो। बट फिर भी मतलब एकदम से आप वर्स्ट केस में जाना चाहते हो तो P7 में जाइए, उसके बाद जो कॉलेज है प्लीज अवॉइड दिस, ठीक है। फिर भी लाइक जो बच्चा पूछता है कि हाँ जी क्या ऑर्डिंग रखूंगा, तो देखो मैं ऑर्डिंग लिख दिया हूँ, मतलब क्या बोले कुछ समझ में आता नहीं, ठीक है, कि सबका हाल एक ही है तो क्या ही मैं ऑर्डरिंग करूँ, देख सकते हो लास्ट में मतलब इतना सारा ऑप्शन है, लास्ट में कुछ अदर्स लिखना पड़ेगा खत्म करने के लिए ये प्रेजेंटेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया है, यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई वीडियो और नहीं मिलेगा, वो बस आपको ऑर्डरिंग बता के छोड़ देंगे एंड बता देंगे हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे में जो बताया हो लाइक ऑर्डरिंग मतलब कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका फीस स्ट्रक्चर उतना अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो मैंने कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है, कैटेगरी में रखने का मतलब भी मेरा यही है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस सिमिलर ही है ना, मतलब थोड़ा बहुत अंतर के लिए आप क्या ही करोगे, थोड़ा बहुत ही अंतर है ना, एकदम से तो बड़ा तो अंतर है नहीं ना। और एक बात ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज IEM है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि IEM का CSE, IEM का IT, IEM का EC, IEM का CSE स्पेशलाइजेशन, देन आपका हेरिटेज का CSE, हेरिटेज का IT, हेरिटेज का CSE स्पेशलाइजेशन, हेरिटेज का EC, ऐसा नहीं करना है, मतलब ये जो ऑर्डरिंग है अगर आपको सेम ब्रांच मिल रहा है, सपोज आपको IEM में लेट से आपको IEM मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है, एंड लेट से आपको EOT में CSE मिल रहा है, तो आप बोलोगे तो भैया ने तो कहा कि IEM बेहतर है और AOT काफी नीचे आता है तो मुझे IEM लेना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, मैं इस केस में AOT का CSE प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू IEM का EEE, तो ये चॉइस फ्लिंग वो आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर सेम ब्रांच मिल रहा है, सपोज IEM में आपको IT मिल रहा है, हेरिटेज में IT मिल रहा है, तो आप IEM को प्रेफर कीजिए, आपको IEM में EC मिल रहा है और टेक्नो में EC मिल रहा है तो आप IEM को प्रेफर कीजिए, तो ये क्या बोलना चाहते हो कि सेम ब्रांच मिल रहा है तो ऑर्डरिंग है ये, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रांच का कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें आपको EC मिल रहा है, इसमें आपको IT मिल रहा है, इसमें आपको CSE स्पेशल मिल रहा है, इसमें आपको CSE मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो भी ब्रांचेस है, तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड चॉइस फ्लिंग बनाना चाहिए, और ये जो चॉइस फ्लिंग का जो फंडा है ना, ये हम लोग काफी हेल्प करेंगे आपको कि हाँ जी आपको चॉइस फ्लिंग ऐसे करना चाहिए, आप पहले ये रखिए, देन ये रखिए, देन ये रखिए, देन ये रखिए, क्योंकि चॉइस फ्लिंग काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ में आता है नहीं, ये तो समझ गए हाँ ये ऑर्डरिंग है कॉलेज का, लेकिन चॉइस फ्लिंग काफी महत्वपूर्ण है, वही डिसाइड करेगा कि आपका
राउंड वन में क्या सीट एलोकेट होगा। सो आई होप ये वीडियो को काफी हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया सच में तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके जितने भी सर्कल है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप या प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। इस प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो।